इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने स्नान किया, विश्वामित्र बाबा ने पहले तो ये सुनाया कि गंगा जी धरती पर आई क्यों। सावधान, चार पीढ़ियों की तपस्या से गंगा मैया आई। हमको आपको स्मरण रखना है कि पीढ़ियां तपेंगी, पहला नाम हमारा हो, हमारे पीछे लोग आए। अरे हमारे दद्दा तो किन्हे नहीं तो हम ना करब, तुम करो। आप भी तो किसी के दद्दा होंगे, आप करिए। एक नंबर पर अपना ध्यान रखिए, हम एक हैं, मेरे पीछे चार आएंगे। महात्मा राजाओं ने तप किया, अंत तो गत्वा महाराज भगीरथ की तपश्चर्या के पश्चात माँ भगीरथी गंगा अवतरित भई। भगवान शिव ने संभाला, धरती पर ऐसे ऐसे आई। अपने कुल की प्रशंसा सुनकर प्रभु गदगद हो गए। कुल की प्रशंसा तो तब होगी जब हम कुल में वैसा व्यवहार करेंगे। उसी के लिए वह स्थान है जहां से हम प्रकटे जन्मे। जहां हमारी जन्मभूमि है वहीं हमको व्यवहार करना चाहिए, वहां तपना चाहिए, वहां कुछ बचना चाहिए। अब तो समय नहीं रहा, लोग पूछते थे पहले कहां के हैं आप, अमुक स्थान के। कहा हो कहां के तिवारी, पूछते थे ना। अब कौन पूछता है, रुपया के तीन नाम, परसा परसु परसराम, कोई पूछते नहीं है कहां की कुरी है, कहां की धुरी है। चलो नहीं, हम जहां से हैं हमको बोध है, हमको विवेक है, उस मर्यादा का सतत पालन करना चाहिए। भगवान ने सुना, प्रभु गदगद हो गए। मिथिला प्रवेश हुआ, दर्शन हुआ, प्रणाम वंदन। मिथिला के नर नारी हो क्या कहना साहब, देखिए ना, नगर के नर नारी सुंदर शुचि, अंतः और बहिर पवित्र, संत अनंत प्रेमी है, भगवत प्रेमी है। हर क्षेत्र का अपना एक वैशिष्ट्य होता है। हम लोग बुंदेलखंड में बैठे हैं ना, बुंदेलखंड का भी अपना एक वैशिष्ट्य है। क्या है, है? बुंदेले हर बोलों के मुंह में क्या है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, यही तो और क्या है, खूब लड़ी मर्दानी। ये वीरों की भूमि है बुंदेलखंड, इसका एक वैशिष्ट है। हम लोग जब पढ़ते थे तो झांसी के लोग जाते थे पढ़ने वाले, एक तो भाषा भी भगवान ने एकदम शक्कर घोल के दी है बुंदेलखंड, अद्भुत है। तो ठीक इसी प्रकार मैथिली की भी अपनी एक भूमि है, अद्भुत है। हर क्षेत्र का अपना एक वैशिष्ट्य होता है। अंतः बहिर पवित्र लोक, बाजार लगे हैं, जो चाहे प्राप्त करिए, कोश सब समझता है। देखिए साधुता क्या है, मनसा वाचा कर्मणा विकार शून्य हो जाए, ये साधुता।
त्रिवेणी मैया ने कहा ना, तात भरत तुम सब विधि साधो। तीने विधि है, मन से, वचन से और कर्म से। तीन विधि है। जो कर्म से साधु हो वो मन से होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। वचन से साधु होने वाला मन से कर्म से साधु हो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भरत भैया, तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग। भरत जी तीनों प्रकार साधु हैं, ये साधुता है। साधुता मने सध जाना, सधने को ही साधु बोलते, जो सध गया हो। आचारे विचारे व्यवहारे विहारे वो साधुता, बुरे कर्म बने नहीं, मन में बुरा चिंतन आवे नहीं, बुरी बात होवे नहीं, साधुता। पुर नर नारी सुभग सुचि सं, सब धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब धर्मशील हैं, सब धर्म के पथ पर चलते हैं। धर्म पथ का पालन हो ये धर्मशीलता है, नहीं ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये धर्म भीरुता है। साधक को धर्म भीरु नहीं होना चाहिए। हाँ, भय बस करे धर्म तो धर्म भीरुता है। नहीं नहीं, हम तो करेंगे चाहे जो स्थिति हो, ये धर्मशीलता है। जीवन धर्मशील होना चाहिए। ज्ञान नित्य परमात्मा हमारे अपने हैं, जगत तो व्यवहार मात्र के लिए है। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। एक अमराई देखकर गुरुदेव उतरे, मिथिलापति ने आकर स्वागत किया, परमात्मा का परिचय लिया। पूछने लगे, ये दोनों बालक कौन है, राजपुत्र हैं या ऋषि पुत्र हैं? विश्वामित्र जी अचकच देखने लगे, अरे क्यों अचकचा रहे महाराज, अरे आप ऐसा पूछ रहे हैं? तो महाराज, मेरे मन को सहज वैराग्य है, ये मेरा वैरागी मन इन बालकों में लग गया है। इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, बरबस ब्रह्म मेरा मन ब्रह्म चिंतन छोड़कर इनमें रम गया है, कौन है? विश्वामित्र जी मुस्कुराए। देखिए, साधक को ही साधक का बोध होता है। जो साधक नहीं है उसको साधक से खिंचाव ना होगा, लगाव ना होगा। जैसा जो होता है अंदर से ना, वैसा उसको मिल जाता है। साधक की ही प्रीति साधक से होगी, विषयी की प्रीति विषयी से होगी। परमात्मा है, ब्रह्म है, ठाकुर है, प्रभु है, हरि है, मेरे राम जी है। जनक जी का आकर्षण हो गया, जोग भोग मोह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगटेव सोई, क्षण लगा, आकर्षण हो गया। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, कहे राजन, जगत में जितने प्राणी हैं ये सबको प्राण के समान प्रिय हैं, क्योंकि सबके प्राण ही तो हैं। प्राण प्राण के जीव के, जीव जीव के जीव सुख, तुम तज जिन
तात सुहात गृह जिनहित नहीं विधि मा। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, आप प्राणों के प्राण तत्व हैं, जीवों के जीव तत्व हैं, सुख के सुख धाम हैं। आपको छोड़कर जिनको घर अच्छा लगता है उनको भगवान ब्रह्मा वाम है। किनको? सब लोग आपके पास आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, जो आ गए वो आपके हैं। तुम तज तात सुहात गृह जिनहित नहीं विधि मा। आपको छोड़कर और जनकराज महाराज आप में ही मिल गए, आप में ही रम गए। ऐ सबको सत्संग भी अच्छा नहीं लगता, ये क्या है? क्या भगवत चर्चा सबको नहीं भाती हो? ते जड़ जीव निजात्मक घाती जिनहिन रघुपति कथा सुहाती। बुसुंडी बाबा कहते जिनको सुहाती, अरे वो भाग्यशाली है, तपस्वरूप है। गुरुदेव ने परिचय कराया, चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण यज्ञ रक्षा के लिए लाए थे, आपके यहाँ यज्ञ रखा गया, यहाँ भी ले आए। यथा यज्ञम तथा कुरु। महाराज सुंदर सदन में बात करें, हम सारी व्यवस्था करते हैं, भोजन विश्राम संध्या वेला 5 भगवत चर्चा मुनिगण प्रारंभ किए, पुराण इतिहास की कथा होने लगी, संध्या वेला में सत चर्चा होनी ही चाहिए। थोड़ी देर सही बैठे, कुछ राम चर्चा हो, कुछ तो हो। रमता नहीं हो इसको रम रमाना पड़ता है, मन लगता नहीं इसको लगाना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।